न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप, भारतीय टीम वनडे में आलमी नंबर 1 बन गई। तफसीलात के मुताबिक भारत ने शबमन गिल और रोहित शर्मा की सेंचुरी के साथ साथ शार्दुल ठाकुर की उम्दा बैटिंग की बदौलत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने के साथ साथ आलमी नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर ली। इंदौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और शबमन गिल ने पहली विकेट के लिए बेहतरीन शराकत कायम करते हुए 212 रन जोड़े और अपनी अपनी सेंचुरियां भी स्कोर की। रोहित शर्मा आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 6 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 101 रन की इनिंग्स खेली, जबकि शबमन गिल ने 70 गेंदों पर 5 छक्कों और 13 चौकों की मदद से 112 रन बनाए। जब दोनों ओपनर्स आउट हुए तो भारत ने 28 ओवर्स में 230 रन बनाए थे। ऐसा महसूस होता था कि भारतीय टीम बआसानी 400 रन का हिस्सा बूट करने में कामयाब रहेगी, लेकिन इसके बाद कीवी बॉलर्स ने निस्बतन बेहतर बॉलिंग करते हुए आने वाले दीगर बल्लेबाजों को बड़ी इनिंग खेलने से बाज रखा। विराट कोहली ने इनिंग का उम्दा आगाज किया, लेकिन वो 36 रन बनाने के बाद पॉलियन लौट गई और साजगार बैटिंग विकेट पर एक और सेंचुरी का मौका गंवा दिया। इख्तितामी ओवर्स में 54 रन बनाने वाले हार्दिक पांड्या और 25 रन की इनिंग खेलने वाले शार्दुल ठाकुर ने शानदार बैटिंग की, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने मुकर्र ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 385 रन बनाए। न्यूजीलैंड के जैकब टफी ने 100 रन की ओस 3 विकेट ली, जबकि ब्लेयर टिकनर ने इतनी ही विकेटों के लिए 76 रन दिए। हदफ की ताकत में न्यूजीलैंड की इनिंग का आगाज तबाहकुन था और दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फन एलन को खाता खोले बगैर ही चलता कर दिया। डेविन कॉनवे और हेनरी निकोलस ने 106 रन की शराकत कायम की, लेकिन 42 रन बनाने के बाद हेनरी निकोलस पॉलियन लौट गए। कॉनवे ने दूसरे एंड से बेहतरीन बैटिंग का सिलसिला जारी रखा और डैरल मिचेल के साथ मिलकर स्कोर को 184 तक पहुंचा दिया। इस बल्ले पर शार्दुल ठाकुर डैरल मिचेल के साथ साथ अगली ही गेंद पर कप्तान टॉम लिटिल को चलता करके न्यूजीलैंड को डबल नुकसान पहुंचाया, जबकि कुछ देर बाद ग्लेन फेल्प्स आउट हुए तो न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेटें गंवा चुकी थी। डेविन कॉनवे ने 100 रन की गेंदों पर 8 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 138 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन इनके आउट होते ही न्यूजीलैंड के मैच जीतने की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेनेटर ने 26 और 34 रन की इनिंग खेलकर कुछ मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन अपनी टीम को शिकस्त से ना बचा सके और पूरी कीवी टीम 295 रन बनाकर ढेर होगी और भारत ने मैच में 90 रन की बड़ी मार्जिन से कामयाबी हासिल कर ली। मैच में फतह हासिल करने के साथ साथ भारत ने सीरीज में क्लीन स्वीप करने के साथ साथ वनडे रैंकिंग में आलमी नंबर 1 का मनसब भी संभाल लिया। न्यूजीलैंड के मिडल ऑर्डर के 3 अहम विकेटें लेने पर शार्दुल ठाकुर को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि 360 रन बनाने पर सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड शबमन गिल ले उड़े।